बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर 3 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है हमने टेम्परेचर के स्केल्स को डिस्कस किया था, और आज जो है हम टेम्परेचर के स्केल्स के मुतालिक एक न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। ये न्यूमेरिकल हमारी टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है, जो कि पेज नंबर 38 पे मौजूद है। टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल है। आज हम 11.1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमसे ये कहा जा रहा है कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है, आम हालत में जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक आम जो हालत में टेम्परेचर होता है जिस्म का, वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कहा गया कि आप इसे कन्वर्ट कर दें, इस टेम्परेचर को बताएं। किस में बताएं इस टेम्परेचर को? सेल्सियस स्केल में। मतलब इस सवाल के अंदर कन्वर्जन करनी है हमें, और इस सवाल में कौन सी कन्वर्जन करनी है? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के मुताबिक डाटा बना लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो डाटा के अंदर जो चीज़ें हमें गिवन है, सबसे पहले हम वो देखते हैं। हमें एक ही बात बताई जा रही है कि टेम्परेचर जो बॉडी का है वो है 98.4 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि टेम्परेचर जो गिवन है हमें यहाँ पर, जो हमें यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है वो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी टी का मतलब टेम्परेचर और एफ का मतलब फ़ारेनहाइट। यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल एक वर्ष टू 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये गिवन था हमें। अब रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर? तो फाइंड ये करना है, टेम्परेचर ही फाइंड करना है, लेकिन टेम्परेचर फाइंड करना है सेल्सियस के अंदर। टेम्परेचर फाइंड करना है सेल्सियस के अंदर। तो अब हम रिक्वायर्ड लिखते हैं यहाँ पर। जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है टी टेम्परेचर इन सेल्सियस, इसलिए टी के साथ मैंने सी लिख दिया। टेम्परेचर इन सेल्सियस फाइंड करना है इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पर। यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट गिवेन है हमें और टेम्परेचर इन सेल्सियस रिक्वायर्ड है हमें। ये तो डेटा कंप्लीट हो गया हमारा। अब डेटा के बाद हम बात करते हैं इसके सोल्यूशन के हवाले से, सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अब तो जब हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो कुछ ये है कि टी सी डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू टी एफ माइनस 32 डिवाइड बाई 9। यानी हमने फॉर्मूला यूज़ किया सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, या फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने का। ये फॉर्मूला दोनों ही सूरत में यूज़ कर सकते हैं, आप दोनों ही सूरतों में यूज़ कर सकते हैं। सी को आप एफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और एफ को आप सी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से बात करते हैं। हमें फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर, तो वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले तो टी सी डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू टी एफ टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, और ये होता है 98.4। तो मैं टी एफ रिप्लेस कर देता हूँ, मैं टी एफ की रिप्लेसमेंट करूँगा 98.4 से। तो टी एफ की जगह पर आ गया 98.4, टी एफ रिप्लेस हुआ 98.4 माइनस 32 और डिवाइड बाय 9। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, टी एफ की वैल्यू पुट की 98.4। अब उसके बाद हम 98.4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे 32 को। तो 98.4 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया 32। तो 98.4 माइनस 32 करने पर हमें आंसर मिला 66.4 और डिवाइड में 9, और लेफ्ट साइड पे मौजूद है टी सी बाय 5। हमने 98 को माइनस किया 32 से, ये आंसर है। अब हम 66.4 को डिवाइड करेंगे 9 से। तो डिवाइड बाय, जब 9 के हमने इसे, तो डिवाइड बाय 9 करने पर जवाब मिला हमें 7.37। 66.4 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू 7.37, जबकि लेफ्ट साइड पर हमने लिख दिया टी सी डिवाइडेड बाय 5। हमें तो टी सी फाइंड करना है, टी सी रिक्वायरमेंट है हमारी। तो क्योंकि 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको राइट साइड पे ट्रांसफर कर देते हैं। क्योंकि 5 डिवाइड हो रहा है तो राइट पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी सी इक्वल्स टू 7.37 इंटू 5, जो 5 यहाँ डिवाइड था मल्टीप्लाई में आ गया। अब हम 7.37 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो हमें आंसर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसका 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरीके से हमने फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट किया
सेंटीग्रेड के अंदर, यानी एक नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अगर हमसे कहा जाए फ़ारेनहाइट में कितना होता है तो हम आंसर देंगे 98.4। अगर हमसे कहा जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताइए लेकिन सेंटीग्रेड में बताइए कितना होगा, तो हमारा जवाब होगा 36.88 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों में क्या फ़र्क है, ये इन टर्म्स ऑफ फ़ारेनहाइट बताया जा रहा है और ये इन टर्म्स ऑफ सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर 11.1 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे।